अब क्या करेंगे दीदी? अब भैया ये नीम की पत्ती है, फिर ये बिरगुन की पत्ती है, जीताफल की पत्ती है, इनमें पीसे गरम मसाला ये मटका में मिला दो। ये बिरगुन की पत्ती है डालो बाबू ये मटका, अब ये जीताफल की पत्ती ले डालते हैं। ये भैया यही डाल दो, अब हम दोनों डले देंगे ये, अब ये नीम की पत्ती डाल भैया ये सब यहाँ डर गए, अब एरा हम हाथ से अच्छा से मिला थे। अब भैया ये मिट्टी और गुड़ के घोल 1 लीटर पानी में मिलाए हैं, उसको हम यहाँ डालेंगे, डाल के हम सबला बराबर मिला देंगे, सब कुछ मिला के यहाँ ये सब मिल गई। मिलाने के बाद अब हम ये कपड़ा से खर मुंडा ढक देंगे, एक हार या घड़ा के मुंडा कपड़ा से ढाक के हम अच्छे से बांध देंगे। दीदी ये मक्का कीटनाशक दवा तो बन गया, अभी सब कैसा करेंगे? हाँ भैया मक्का कीटनाशक दवाई हम सब मिला के बना डाले हैं, एला हम 7 दिन के माने छाया में रख देंगे, एक हर बात फिर यह दवाई तैयार हो जाएगी। दवाई कैसे तैयार होगी उसके बाद? यह पूरे जितना मिला हम भैया तीन सब सड़ जाएंगे, तो सड़ने के बाद फिर दवाई तैयार हो जाएगी, फिर हम इला खोल के हम कोई भी छन्ना से छान के हम अपन खेत में सिंचाई कर सकते हैं स्प्रे पंप से। दीदी इसका सावधानी क्या क्या है? भैया इला बहुत सावधानी से रखे जाता है, रख के भैया अरे लड़का वड़का भेजी में तैसे रख देते हैं, एक बात कपड़ा से अच्छा ढाके हुए रह देते हैं 7 दिन तक, एक बात फिर छींटे के समय खोल के तब हम छान के खेत में छींच सकते हैं भैया।